सभी को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में खासकर यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए जो कक्षा 10 में पढ़ते हैं उनके लिए जो पहला चैप्टर मैथमेटिक्स में वास्तविक संख्याएं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी सीख सकते हैं कि किस तरीके से वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और उनका क्या किस तरीके से हमारा दैनिक जीवन में प्रयोग होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो चैप्टर का नाम है वो आपके सामने लिखा हुआ है, वास्तविक संख्याएं। तो इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा चैप्टर का परिचय इस वीडियो के शुरू में हम जानेंगे कि क्या क्या इस चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो भूमि का जो हेडिंग है वो आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है कक्षा 9 में आपने वास्तविक संख्याओं की खोज प्रारंभ की और इस प्रक्रिया से आपको अपरिमेय संख्याओं को जानने का अवसर मिला। यानी वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं जो काल्पनिक ना हो, और काल्पनिक कैसी संख्या होती हैं, जैसे मैथ में कभी अंडर रूट में कोई माइनस की संख्या आ जाए, जैसे अंडर रूट में -1, अंडर रूट में -2, इस टाइप की संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसके अलावा वास्तविक संख्याओं में आपकी भाज्य संख्याएँ, भाज्य संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ और पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएँ और परिमेय संख्याएँ, अपरिमेय संख्याएँ, सभी संख्याएँ जो है वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आ जाती हैं। और उसी के अंतर्गत आपको अपरिमेय संख्याओं को जानने का अवसर भी कक्षा 9 में मिला होगा। इस अध्याय में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे और ये चर्चा हम अनुच्छेद यानी जो आपको एक्सरसाइज पढ़ने के लिए मिलेंगी इस चैप्टर में 1.2, 1.3, उसमें धनात्मक पूर्णांकों के अति दो महत्वपूर्ण गुणों से प्रारंभ करेंगे। और ये गुण है एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको हम कलन विधि भी कहते हैं इंग्लिश में, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और दूसरी आपको मिलेगी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये जो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक्चुअल का डिवीज़न ही होता है, मैं आपको बता दूं, इसमें क्या होता है कि हम डिवाइड करते हैं लेकिन डिवीज़न थोड़ा अलग तरीके से होता है। तो इसको जब हम अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ये आप आगे अपनी पुस्तक में जब आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा एक प्रमेय 1.1 जिसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहा गया है। इसमें खासकर इनका थोड़ा सा परिचय दिया गया है, एक वैज्ञानिक का यहाँ पर आप देख सकते हैं, गणितज्ञ हैं जिनकी फ़ोटो बनी हुई है। इसमें लिखा, इनका नाम है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी, 780 से 850 ईसा पूर्व के टाइम के हैं ये। एल्गोरिथम इनके बारे में बताया गया है कि एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, मतलब एक टाइप के इसमें कई स्टेप्स होते हैं जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। शब्द एल्गोरिथम जो है वो नवी शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज्मी के नाम से लिया गया है। वास्तव में शब्द अलजेब्रा भी इन्हीं की लिखित पुस्तक हिसाब अलजबर व अल मुकाबला से लिया गया है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। यानी प्रमेयिका जो होता है वो एक पहले से ही सिद्ध किया हुआ कथन होता है और उसका प्रयोग हम अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए करते हैं। तो ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम को इंग्लिश में प्रमेयिका बोलते हैं, तो इसी प्रमेयिका पर आधारित है जो ये पूरी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है। एल्गोरिथम का मैंने मतलब आपको बताया एक प्रक्रिया है कई सारे किसी भी समस्या को चरणबद्ध तरीके से हल करने की। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और हिंदी में कहें तो महत्तम समापवर्तक परिकलित करने की एक तकनीक है। आपको याद होगा कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b का वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसका HCF वह सबसे बड़ा पूर्णांक d है। मतलब कि इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप कोई से आपको कोई दो संख्याएं दी जाएं और उनका आप HCF निकालना चाहते हैं यानी महत्तम समापवर्तक निकालना चाहते हैं, इंग्लिश में कहें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना चाहते हैं, तो वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, छोटी क्लासों में जब बच्चों को समझाया जाता है फैक्टर निकालने के लिए, तो जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 20 और 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, तो उसमें आपसे उससे उनसे कहा जाएगा कि 20 के जितने फैक्टर हैं सारे लिखो। यानी उसमें बच्चे ये लिखेंगे कि 20 किन किन के टेबल्स में आता है, किन किन के पहाड़ों में आता है, 1 के पहाड़े में आता है, 2 के टेबल में आता है ना, फिर 4 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा, 10 के टेबल में आएगा, फिर 20 के टेबल में आएगा, वो सारे यानी 1, 2, 4, 5, 10, 20 ये सब क्या हो गए, 20 के आपके फैक्टर हो गए। इसी प्रकार सिमिलरली आप देखेंगे 16 के फैक्टर्स क्या होंगे, 16 किन किन के टेबल में आता है, तो आप देखेंगे 1 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में हर कोई नंबर आता है, 2 के टेबल में आएगा 16, 4 के टेबल में आएगा, 8 के टेबल में आएगा, फिर इसके बाद 16 के में आएगा। यानी 16 के फैक्टर क्या होगा, 1, 2, 4, 8, 16,
तो आप इसमें फिर देखेंगे कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 दोनों में कॉमन आ जाएगा, 2 दोनों में कॉमन आ जाएगा, 16 दोनों वो सॉरी क्या कहते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो 1, 2, 4 ये आपके कॉमन नंबर्स हो जाएंगे। लेकिन इन कॉमन में भी सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन आया, 4, तो 4 को हम क्या कहेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आपका एससीएफ हो गया। तो ये भी एक एससीएफ निकालने का एक तरीका होता है जो छोटी क्लासेस में बच्चों को समझाया जाता है। लेकिन अगर हमें बहुत बड़े बड़े नंबर्स का जल्दी फैक्टर्स जल्दी से कॉमन फैक्टर निकालना हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक निकालना हो, तो हम उसके लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो है प्रयोग करते हैं। और ये मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं। तो देखिए मैंने आपकी पुस्तक में पेज नंबर 5 पर जो सबसे नीचे से स्टार्ट हो रहा है एग्जांपल नंबर 1, उदाहरण नंबर 1, इसमें लिखा है 4052 और 12575 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अब हम अगले पृष्ठ पर जाएंगे, इसमें इसका सॉल्यूशन समझाया गया है। अब इसमें जो बुक में जो सॉल्यूशन समझाने का तरीका है वो थोड़ा अलग है, मैं आपको अलग से सॉल्व करके बताता हूँ कि किस तरीके से हम जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले बुक का तरीका ही समझेंगे इसमें क्या किया गया है। इसमें देखिए जैसा कि मैंने बताया था एल्गोरिथम एक चरणबद्ध प्रक्रिया होती है, तो चरण वन में इन्होंने क्या देखा कि हमें देखो ये देखना है कि सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जिन दो संख्याओं का आपसे मासापा यानी एससीएफ पूछा जा रहा है, महत्तम समापवर्तक पूछा जा रहा है, उनमें कौन सी संख्या किससे 52 से बड़ी है। यहाँ लिखा भी इन्होंने चरण वन में कि यहाँ 12576 4052 से बड़ी है। और हम अब क्या करेंगे, 12576 और 4052 पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर प्राप्त करते हैं। अब इसमें यूक्लिड प्रमेयिका में ये प्रयोग करना होता है कि हम 4052 का पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे, और ये देखेंगे कितने टाइम्स जो है उसके टेबल में 12576 आ सकता है, जैसे एक नॉर्मल डिवीजन प्रक्रिया में, नॉर्मल भाग के सवाल में हम करते हैं। यानी 4052 का पहाड़ा हम तब तक पढ़ेंगे जब तक 12576 नहीं आ जाए, लेकिन वो आएगा ही नहीं, 3 बार शायद उसका पहाड़ा पड़ा जाएगा तो उससे कुछ कम आ जाएगा, क्योंकि 4 बार पढ़ेंगे तो शायद ज़्यादा हो जाएगा। 4000 का भी अगर हम टेबल पढ़ें तो 4000 = 4000, 4000 × 8000, 4000 × 12000, 4000 × 16000 ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें 3 बार इसका पहाड़ा पड़ा गया होगा और 12576 से कुछ कम आया होगा, तो फिर जो भी आया होगा उसे 12576 में से माइनस करने पर 420 शेष बचा होगा। तो उसको इनका लिखने का तरीका ये हो गया कि 12576 इज इक्वल टू 4052 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी जितना भी वो आया होगा प्लस उसमें जितना कम रह गया, प्लस उसमें जितना कम रह गया उसमें हमने 420 ऐड कर दिया। ठीक है, अब चरण दो में क्या होता है, क्योंकि शेषफल, अब यहाँ पे शेषफल ज़ीरो तो आया नहीं, या तो पूरा पूरा कट जाता, तो यहाँ पे इसलिए इसमें लिख रखा है क्योंकि 420 जीरो के इक्वल टू है ही नहीं, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि शेषफल आपका ज़ीरो नहीं आया। इसलिए अब हम क्या करेंगे, 4052 और 420 ये जो हैं आपके, इनके लिए यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अब एक तरीके से जो 420 आपका शेष बचा है ना, उससे हम 4052 को डिवाइड करेंगे और हम 420 का जो शेष बचा है उसका पहाड़ा पढ़ना है आपको उस वाली संख्या में जिसका पहाड़ा आपने पहले पढ़ा था, 4052 का पहले पढ़ा था, तो आपको 420 का पहाड़ा पढ़ना है जो शेष बचा है उसका, और वो भी किस में, जिसका पहाड़ा आपने पहले पढ़ा था 4052 में। तो 420 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे तो शायद 4052 से कुछ कम आ जाएगा, और तब भी जो है 272 शेष बच जाएगा। इसीलिए इन्होंने लिख रखा है 4052 इज इक्वल टू 420 × 9 प्लस 272। अब भी यानी कि 272 जो है आपका शेष बच गया, तो अब हम 272 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 420 आ जाए। तो 272 का पहाड़ा इन्होंने एक ही बार पढ़ा तब 272 ही आ गया होगा, उस 2 बार पढ़ने पे 420 से ज़्यादा आ रहा होगा, पढ़ा किस में, 420 में। तो इसलिए इन्होंने 420 इक्वल्स टू 272 × 1 प्लस 148 लिख दिया, 148 तब शेष बचा होगा। अब 148 का पहाड़ा हम 272 में पढ़ेंगे, तो हमने देखा कि 148 का पहाड़ा हम एक ही बार पढ़ रहे हैं क्योंकि 2 बार पढ़ने पे वो 272 से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो लिख दिया 272 इज इक्वल टू 148 × 1 और प्लस अभी जो है 124 शेष बचा होगा। अब जो हम 124 का पहाड़ा पढ़ेंगे 148 में, तो 124 = 124 क्योंकि 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, अब 148 में से 124 घटाया होगा तो 24 बच रहा होगा, इसीलिए इन्होंने लिख रखा है 148 इज इक्वल टू 124 × 1 और प्लस 24, अभी भी 24 शेष रह गया। अब हम 24 का पहाड़ा 124 में पढ़ेंगे तो 24 × 5 = 120 होते हैं, यानी तब भी 4 शेष रह जाएगा, तो इसीलिए 124 इज इक्वल टू 24 × 5 प्लस 4 लिख रखा है, तो यानी अभी भी 4 बच गया। अब हम 4 का पहाड़ा 24 में पढ़ेंगे तो 4 × 24 पूरा कट जाएगा, यानी जब तक शेषफल 0 ना हो जाए तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो देखिए अब इन्होंने 24 को लिख रखा है 4 × 6 प्लस 0, यानी अब जो है आपका शेषफल 0 आ गया। तो लास्ट में आपको ये देखना है कि किस संख्या से डिवाइड करने पर, किसका पहाड़ा पढ़ने पर शेषफल 0 आया। सबसे आखिरी बार में आपने 4 का पहाड़ा पढ़ा जिससे जो है शेषफल 0 आया,
यहाँ लिख दिया है कि यहाँ शेषफल जीरो प्राप्त हो गया, इसलिए यहाँ प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। चूंकि इस स्थिति में भाजक चार है तो इसका ये मतलब हुआ कि 12,576 और 4,052 का जो SCF है, जो महत्तम समापवर्तक है, वो क्या है, चार है। अब इसी चीज़ को ये ऐसे स्टेप वाइज ना करके हम प्रॉपर डिवीजन मेथड से करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमें 4,052 और 12,576 का मासापा निकालना था, तो बुक में जो समझाया गया है वो एक चरणबद्ध तरीके से समझाया गया है। इसको हम डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं कि किस तरीके से इन दोनों नंबर्स का मासापा निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। ये हमने 4,052 क्योंकि छोटी संख्या है और 12,576 बड़ा है, तो हमें 4,052 से 12,576 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4,052 का पहाड़ा, उसका टेबल जो है हम 3 times रीड करेंगे। तो जब हम इसका टेबल 3 times रीड करते हैं तो 12,156 आता है, इसमें से माइनस करेंगे तो 420 आपका शेष बचेगा। फिर हम क्या करेंगे, जो नंबर शेष बचा है अब उससे हमें उस नंबर को डिवाइड करना होता है जिसका पहाड़ा हमने, जिसका टेबल हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट टाइम, तो वो नंबर हम यहाँ उतार लेंगे दोबारा से डिवाइड का साइन लगा के। अब 420 का पहाड़ा हम 4,052 में पढ़ेंगे तो 9 बार जाएगा और 3780 आ जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, जब इसमें से माइनस करेंगे तो 272 बचेगा। अब फिर से डिवाइड का निशान लगा के अब 420 को उतार लेंगे यहाँ पर, क्योंकि पिछली बार हमने 420 का पहाड़ा पढ़ा था। अब 272 का पहाड़ा 420 में पढ़ेंगे तो ओनली वन टाइम जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 272 = 272। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 148 आ जाएगा, और 148 का जो टेबल है अब हम 272 में रीड करेंगे तो एक बार जाएगा, तो यहाँ पर आपका 148 आ जाएगा। और इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 124 बच जाएगा। अब 148 यहाँ उतार लेंगे तो 124 ही कम 124 जाएगा, और 148 में से 124 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ 24 बचेगा। और फिर अब 124 को यहाँ उतार लेंगे और 24 × 120 होते हैं, तो 124 में से जब 120 घटाएंगे तो यहाँ 4 बचेगा। और अब यहाँ 24 उतार लेंगे, 4 × 24, ये पूरा आपका जो है कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स अब 4 से आपका पूरा क्या हो गया, डिवाइड हो गया, 0 आपका रिमाइंडर बच गया, शेष बच गया। तो क्योंकि पूरा डिवाइड 4 से हुआ, इसलिए जो आपका HCF हो जाएगा, यानी जो महत्तम समापवर्तक है मासापा, वो क्या आ गया इस क्वेश्चन का, 4। यानी 4,052 और यानी कि 4,052 और 12,576 का जो मासापा आ गया वो आपका क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम डिवीजन मेथड से ये कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो आइए, ये जो आपके सामने है प्रश्नावली 1.1, आप सभी देख पा रहे होंगे प्रश्नावली 1.1 आपको दी हुई है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है 135 और 225, इसका जो है हमें HCF ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसका एल्गोरिथम द्वारा विभाजन ज्ञात करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पहले से ही सॉल्व करके रख रखा है 135 और 225 का किस तरीके से मासापा ज्ञात किया गया है। सबसे क्योंकि 135 छोटा है और 225 बड़ा है, तो हमने 135 को अंदर लिख लिया, 225 को बाहर। तो हम क्या करेंगे, 135 का पहाड़ा एक बार अगर पढ़ते हैं तो 135 ही आएगा, दो बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 270, इसलिए हमने एक ही बार पढ़ा, 135 का 135 और यहाँ 135 आ गया। इसको माइनस करेंगे, 5 में से 5 का 0, 22 में से 13 जाएंगे, 9 बचेंगे, तो 90 आपका शेष बचा। अब यहाँ से 135 उतार लेंगे तो 90 = 90 और 135 में से 90 को माइनस करेंगे तो आपका 45 बचेगा। और फिर 90 को यहाँ उतार लेंगे और 45 का पहाड़ा अगर पढ़ते हैं तो दो बार में पूरा 90 आ जाएगा, 45 × 90, यानी पूरा कैंसिल हो गया। तो जिस संख्या से पूरा कैंसिल हो जाए वही आपका मासापा महत्तम समापवर्तक यानी HCF होता है। तो इस तरीके से जो इसका आंसर आ गया वो 45 आ गया। तो मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 का पहले का फर्स्ट पार्ट करके दिखा दिया है और एक उदाहरण में भी समझा दिया था। बाकी दो क्वेश्चन आप इसकी सहायता से करके देख सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे का जो है ये जो एक्सरसाइज है, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगा। और आपको समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद।